तो 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक जो मेरी तरफ से बिल्कुल नया है वो है जेनेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी पढ़ चुके अपन 10th में, बहुत सिंपल था ही क्योंकि मैंने पढ़ाया था। दूसरा जेनेट्रिक प्रोग्रेशन इस साल आया है, वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है, बस अगर एक बार समझ में आ जाए तो अगर जेमेट्रिक प्रोग्रेशन हमको पढ़ना है तो हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये प्रोग्रेशन या सीक्वेंस या सीरीज वो होते हैं टर्म्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं, उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, और जैसे हमारा एपी में रिलेशन था कि कॉमन डिफरेंस था, वैसे जेमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा वो कॉमन रेशियो का रहेगा। वो कैसे रहेगा उससे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम कॉमन रेशियो भी समझेंगे। तो जेमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो, मतलब इसमें कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा। इट्स कॉल्ड अ जेमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रिसीडिंग टर्म इज कॉन्स्टेंट। अगर टर्म्स में क्या रिलेशन है कि जो रेशियो है पहली वाली टर्म का और उसके आगे वाली टर्म का, ठीक है, वो कंटिन्यूस रहे। जैसे कि अगर हमारे पास सीरीज है A1, A2, A3, A4, ये कहाँ तक जाएगा, An तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, टोटल n टर्म्स होंगे। ठीक है, तो जो रेशियो होगा A3 upon A2 का, वो होगा A2 upon A1 के रेशियो के बराबर। ठीक है, ये है A2। वैसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा A4 upon A3 के बराबर, और इसको हम बोलते हैं R, जो है हमारा कॉमन रेशियो। ओके, सिंपल। इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सपोज टर्म है पर A1, A2, A3, A4 से An तक। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, हम हमेशा लिखते हैं A। सेकेंड टर्म क्या रहेगी, AR। थर्ड टर्म हो जाएगा हमारे पास AR2। फोर्थ टर्म हो जाएगा AR3, और ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट टर्म क्या होगा, AR(n-1)। ठीक है, इस तरह से होगा। इन दोनों का रेशियो अगर लेते हैं तो क्या आएगा, R। इन दोनों का लेंगे रेशियो तो भी R आएगा, इन दोनों का रेशियो लेंगे वो भी R आएगा। इस तरह से हमारा, तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा TN का, मतलब टोटल जो लास्ट टर्म रहेगा उसका हो जाएगा AR(n-1)। चलो NCERT का एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जिसमें बोला है फाइंड द 20th टर्म ऑफ GP 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी होगी, 5/2। R क्या होगा, रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, 5/4 upon 5/2। 5/5 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 1/2। हमारे पास R आ गया, A आ गया। ठीक है, A20 या T20, whatever you want to say, वो कितना हो जाएगा AR। n-1 होता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 19। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/2। R की वैल्यू है 1/2 की पावर 19। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 5, और ये 2 अगर 1 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा 2 की पावर 19 से, तो 2 की पावर 20। तो A20 हो गया हमारा 5/2 की पावर 20। ऐसी सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड 12th टर्म ऑफ GP हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो यहाँ पे R की वैल्यू हमने लिखी है, दे रखी है हमको, वो है R=2। ठीक है, हमको फर्स्ट टर्म दिया है नहीं, तो लेट फर्स्ट टर्म बी A। ठीक है, और क्या दे रखा है, A8 दे रखा है हमको, 192। ठीक है, A8 मतलब AR2 7 = 192।
फॉर्मूला पता है हमको क्या होता है, ए आर एन माइनस वन। तो अगर हमें 8 निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए आर एन माइनस वन मतलब ए आर 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सॉल्व कर लेंगे, आर की वैल्यू हमें पता ही है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 इक्वल टू 192, 2 की पावर 7 होता है हमारा 128, तो 192 अपॉन 128 जो है वो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 3/2। अब जब हमारे पास 3/2 आ गया, क्या करेंगे हम, A12 फाइंड करना है हमको, A12 फाइंड करना है, तो वो कितना होगा, AR 11 पावर 11, ठीक है, 3/2 A आया था, R की वैल्यू 2 है, उसकी पावर 11, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ 1 है, तो 3 × 2 to the power 10, 2 की पावर 10 हमें पता है वो होती है 1024, तो फाइनली आंसर आएगा 3072।